वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जैम की जरूरत पड़ेगी। जैम की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको ओपन करनी है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको उसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पर अभी इसकी स्क्रीन आएगी, तो फिर आपको इसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे ये लोकेशन पूछ रहा है, आपको फिर नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर देना है। मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो और दूसरी चीज़ आपको इसके वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वर्डप्रेस 5.4 डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। अभी वर्जन इसका 5.4 चल रहा है, फिर डाउनलोड होना शुरू हो गई। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही है, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये कुछ जिप फाइल में आएगी, ये इस जिप फाइल में आएगी। आपको उस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस करना है। तो उसके बाद आपके पास ये एक्सट्रैक्ट होके इस फोल्डर में आ जाएगी। उसके बाद आपको ये फोल्डर कॉपी करना है। उसके बाद आपने जो ये जैम्प को इंस्टॉल किया, उसके बाद आपको उसको रन करना पड़ता है। जब भी आपको वर्डप्रेस पे काम करना होगा तो आपको लाजमी अपना सर्वर स्टार्ट करना है। तो ये जैम्प का हमारे पास आइकन आ गया, इस पर हम क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे। हमें दो सर्वर स्टार्ट करने होते हैं, एक अपाची का और एक MySQL का। तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से केस में ऐसा होता है कि सर्वर हमारा स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह आते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपको अपने सी की ड्राइव में आना है, या जहाँ भी आपने जैम को इंस्टॉल किया हो। जब आप सी की ड्राइव में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा जैम। इस जैम पे डबल क्लिक करना है। इस जैम के अंदर एक फोल्डर होगा आपके पास htdocs। तो htdocs ये हमारा रूट डायरेक्टरी का फोल्डर, मेन डायरेक्टरी हमारी जो वेबसाइट जितनी भी होंगी यहाँ पर होंगी, हमारी सारी वेबसाइट जितनी भी आपको वेबसाइट होंगी, ये सर्वर का पाथ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कुछ फोल्डर्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये मेरी सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने बनाई हैं, मेरे पास सारे फोल्डर आ रहे हैं। तो आपको किस तरीके से चेक करना है, आपको बस सिर्फ सर्वर यहाँ पर इसको ओपन करना है। सर्वर ओपन करने के बाद आपको बस यहाँ पे एक टैब में लिखना है लोकल होस्ट, ये हमारे सर्वर का नाम है। लोकल होस्ट लिखने के बाद, या अगर आप लोकल होस्ट ना भी लिखें तो आपने ये जैम के अंदर आना है। जैम के अंदर जो आपका अपाची है उस पर आपको ये एडमिन पे क्लिक करना है। जब उसको एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया। अब अगर जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाए तो इसका मतलब आपका जैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इसको कॉपी कर लेना है, इस URL को, और जिस भी ब्राउजर में आप यूज करना चाहो उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब ये जैम आपका ओपन हो चुका है। अब अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, उसके बाद अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास जो पेज है आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सर्वर बंद हो चुका है। तो उसके लिए आपको ये सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे htdocs के अंदर एक हमारे पास फाइल बनी हुई होगी या फोल्डर होगा, ये डैशबोर्ड का फोल्डर है। लोकल होस्ट लिखा हमने, उसके बाद स्लैश डैशबोर्ड लिखा है, तो हमारे पास ये फोल्डर ऑटोमेटिकली वो उस फोल्डर तक पहुंच चुका है। इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो डिस्प्ले करा दिया। अब मेरे पास जो कुछ दूसरी ये जो फेस फोल्डर लिखा हुआ है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दूँ तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्वियस कहूँ तो मेरी यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट थी वो ओपन हो चुकी है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई है, आपको यहाँ पे बस सिर्फ काम ये करना है, जब भी वेबसाइट पे स्टार्ट करनी है आपको तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, इस नाम से ये जो भी आपको वेबसाइट का नाम हो वो नाम अपने फोल्डर में रखना है। जैसे मैंने ब्लॉग के नाम से एक फोल्डर बना लिया। अब ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है,
मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लॉग, तो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि ये होल्डर अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अब हमें अपनी वर्डप्रेस को रखना है। वर्डप्रेस जो हमने वहाँ रखी थी उसको मैंने कॉपी किया हुआ था, अपने यहाँ पे लगे सॉरी शायद कॉपी सर्टिफिकेट दोबारा कॉपी कर लेते हैं। चलो ये मैंने वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग के फोल्डर में हूँ, मौजूद हूँ एच डी डॉक्स के जो ब्लॉग का फोल्डर है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अभी ये पेस्ट हो रही है हमारी सारी फाइल्स वगैरह, तो मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। ठीक है, तो ये फोल्डर मैं यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर चेक करते हैं, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है वर्डप्रेस, और उसके अंदर सारी हमारे पास फाइल्स हैं। हमें क्या करना है, बस इन सारी फाइल्स को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके जो हमारी जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर था मेन फोल्डर, हमें वो खोलना है और वहाँ पे लाके इन सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। तो अभी हमारे पास हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो सबकी सब कॉपी हो चुकी हैं, तो इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैंने इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास सिंपल जो है ये हमारा वेबसाइट का फोल्डर है और इसके अंदर सारी फाइल्स हैं। अच्छा, तो अब एक काम हमें, अब हम इसको अगर यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करें दोबारा, लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास स्क्रीन कुछ और होगी। हमारी जो हमने यहाँ फाइल्स पेस्ट की हैं ये फाइल्स रन होंगी। तो देखें अब हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का सेटअप आ चुका है। जब भी हम कोई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो लाजमी हमें इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है उसके बाद ही चलती। तो अभी हम वर्डप्रेस को आगे बढ़ने से पहले एक काम हमें करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब भी वर्डप्रेस का हम कोई अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें लाजमी उसको एक डेटाबेस बनाकर देना पड़ता है। तो डेटाबेस किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। MySQL हमारे पास ये सर्वर है, एक MySQL, उसपे हम एडमिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लोकल होस्ट PHP माई एड, तो ये हमारा जो है ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस को हम दूसरी स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद हम किसी डेटाबेस का कोई भी नाम हम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल एक डेटाबेस हमारे पास नहीं बनाया, न्यू बनाना पड़ेगा। तो इस डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं log1, और इसे क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक डेटाबेस बन चुका है log, इसका नाम हमें लाजमी याद रखना है। अब वर्डप्रेस के हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमसे ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। हमें इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो उसके बाद इसने हमें कुछ स्टेप्स बता दिए जो हमें इसको इंफॉर्मेशन इसको बतानी है, डेटाबेस से डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, ETC वगैरह सब। लेट्स गो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम। डेटाबेस हमारा का नाम, ये हमारा डेटाबेस का नाम है log1। तो log1 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हमारे पास आ गया log1। यूजर नेम जो हमारे जैम्प होता है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, और जो पासवर्ड होता है उसे ब्लैंक रखना पड़ता है। अगर आप जैम्प को यूज कर रहे हैं तो, अगर आप कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं वैम्प वगैरह लैंप वैम्प, तो उनका में भी पासवर्ड अलग हो सकता है और रूट भी अलग हो सकता है। अगर लेकिन अगर आप जैम्प को यूज कर रहे हैं तो लाजमी आप सिर्फ यही लिखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास डेटाबेस की होस्ट पूछ रहा है। डेटाबेस की होस्ट हमारे पास यहाँ पर लोकल होस्ट है, तो सेम वही रहेगा। और ये उसके बाद हमारे पास ये प्रीफिक्स पूछ रहा है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स ये होता है कि जैसे कि मैंने ये एक ब्लॉग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करी है, वर्डप्रेस के अंदर हमारी जितनी भी टेबल्स हैं उन हर टेबल्स के पीछे एक उसने प्रीफिक्स, ये WP_ ये एक प्रीफिक्स है जो हमने यहाँ पे इसको दिया है तो यूज करता है। अगर हम यहाँ पे कोई और प्रीफिक्स देंगे तो वो कोई और यूज करेगा। ये बेसिकली एक डेटा हमारा मिक्सअप ना हो तो इस वजह से प्रीफिक्स दिया गया है। तो
इसके बहुत से एडवांटेज होते हैं, आपको साइट्स इससे हैक नहीं होती हैं, पहले तो एडवांटेज ये होता है, और हमारा डेटा सारा यूनिक्स रहता है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, उसको सबमिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बता दिया कि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली उससे मिल चुकी है, अब हमें रन इंस्टॉलेशन पे करना है। तो अब हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, बस सिर्फ ये कुछ सेटिंग्स वगैरह पूछ रहा है। तो सेटिंग्स में हम इसको यहाँ पर वेबसाइट पर जो हमारी नाम होगा वो हम दे देंगे ब्लॉग, और ईमेल आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं कोई भी। मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आप इस पे कोई भी आसान सा पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे मैंने ये पासवर्ड रखा है। उसके बाद पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद ये अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको यूजर नेम पूछ रहा है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम बताना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ईमेल आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप करेंगे। उसके बाद आपका ये ऑप्शन आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, यानी कि जो एसईओ हमारी वेबसाइट की होती है, तो ये वो पूछ रहा है कि आपको एसईओ पर मतलब एसईओ की जो फंक्शनैलिटी उसे ऑन करनी है या नहीं। अभी फिलहाल हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे, हमें इसको चेक करना है कि अभी हमें ये सर्च इंजन वाला काम ये नहीं करेगा, जब हम सर्वर पर जाएंगे तो तभी ये सर्च इंजन और एसईओ की जो प्रोसेस है उसको करेगा। फिलहाल इसको इंस्टॉल करते हैं हम। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है सक्सेस, यूजर नेम हमारा है फैज आजम, और पासवर्ड जो हमने डाला था वो हमारा वो था, हमने पासवर्ड OS123 डाला था। उसको लॉग इन करते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट और ये हमारी वेबसाइट का नाम है ब्लॉग, उसके बाद इसने ऑटोमेटिक हमारे WP लॉगिन इस पेज पर लिया है। अगर हम ये पेज हटा देते हैं और सिर्फ इतना ही लिखते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हमें लिया है, और हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। क्योंकि अभी ये जिस पे हमने कोई काम नहीं किया है, डिफॉल्ट इसने हमें ये साइट दी है, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, और ये एक हमारी पोस्ट है सैंपल पेज, ये पोस्ट डिफॉल्ट पेज है, ये हमारे पास आर्काइव्स हैं, ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के पास अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी क्रिएट वो कर देता है, तो ये वो कैटेगरी है। यहाँ पे हमारा सोमेटा है लॉगिन, और हमारे पास जो वर्डप्रेस के लिंक्स वगैरह हैं, रिसेंट कमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास सर्च बार है। तो अभी फिलहाल हम फ्रंट एंड पे, अब हमें इसके बैकएंड पे जाने के लिए, हमें यहाँ पे एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पड़ता है लॉग इन। जब हम यहाँ पे लॉग इन लिखेंगे तो हमें इसके एडमिन पैनल पे ले आता है। अब एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें जो हमारा पासवर्ड था हमें वो टाइप करना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, इस पर रिमेम्बर मी बट, उस पर लाजमी चेक कर दिया करें ताकि आपको बार बार पासवर्ड टाइप ना करना पड़े। तो इसको हम रन करते हैं, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास लॉस्ट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो उसे आप हमें लॉग इन कर देते हैं।